अब ऐसा लगता है इस देश में न्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विषैले और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एस मुरलीधर का रातों रात तबादला कर दिया गया। इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट एंड रन इनजस्टिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। जुडिशरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दबाव व बदले की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। पूरे देश ने देखा कि कल 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के जज जस्टिस एस मुरलीधर व जस्टिस तलवंत सिंह जी ने दंगा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस को कानून और संविधान के अनुरूप कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस आदेश की प्रति एक बार फिर हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ भेज रहे हैं। केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख वकील और मोदी जी के चहेते आदरणीय तुषार मेहता जी ने तो यहां तक दलील दे डाली कि इस समय नामित अपराधियों को जिनके वीडियोज और भड़काऊ भाषण कोर्ट के अंदर दिखाए गए वो कौन थे? एक थे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एक थे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक थे कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक आर्य। इन चारों के जब वीडियो दिखाए गए, पहले तो भारत सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने वीडियोस देखे ही नहीं। आखिर में दोनों न्यायाधीशों को वो वीडियो कोर्ट में दिखाने पड़े और कोर्ट में देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दलील ये थी कि भाजपा के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने के मुकदमे दर्ज करने के लिए उचित समय नहीं है। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। एक मजबूत व स्वतंत्र जुडिशरी, न्यायपालिका इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश के इतिहास में देश की न्यायपालिका ने कई अवसरों पर इस देश के नागरिकों और देश के संविधान की रक्षा की है। यद्यपि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो कि वह इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश के नागरिकों, उन सब के विश्वास को कमजोर करती जा रही है। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय अमित शाह जी, भारतवर्ष के लोग आपसे तीन सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार को यह डर था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की
स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो दिल्ली की हिंसा, आतंक, अफरा तफरी, मिलीभगत और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। सवाल नंबर दो, निष्पक्ष व प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित किए जाने से रोकने के लिए आप कितने और जजों को ट्रांसफर कर देंगे? नंबर तीन, क्या आपके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए विषैले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपने जस्टिस मुरलीधर को ही ट्रांसफर कर दिया, जिससे पुलिस को आपकी जिन्होंने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जांच का आदेश दिया था? भारतवर्ष के सब देशवासियों से हम याद दिलाना चाहेंगे कि भाजपा सरकार की न्यायपालिका पर अनर्थक दबाव डालने तथा बदला लेने का यह पहला मामला नहीं है। याद करिए कि गुजरात के दंगों में मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध जूरिस्ट श्री गोपाल सुब्रमण्यम की सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को मोदी सरकार ने रोक दिया था, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का निर्णय लिया था, उस निर्णय की भी परवाह मोदी जी और शाह जी ने नहीं की थी। याद रहे जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को जबरदस्ती गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने का मामला उत्तराखंड की न्यायपालिका में गया और जस्टिस के एम जोसेफ की खंडपीठ ने मोदी सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को खारिज कर दिया, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का निर्णय लिया तो मोदी सरकार ने उसे रोक कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को यह निर्णय शायद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दोहराना पड़ा, अगर मुझे सही याद है, और महीनों तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति रोके रखी गई, क्योंकि उन्होंने शायद मोदी सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के नाजायज निर्णय को खारिज किया था। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि वो न्यायाधीश जस्टिस अखिल कुरैशी जिन्होंने 2010 में अमित शाह जी को जेल भेजा था, उनकी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा किए गए नियुक्ति के निर्णय को भी इसी प्रकार से मोदी सरकार ने रोक कर रखा था। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब शेल कंपनियों का जो निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियर जज जस्टिस गीता मित्तल ने जब कर दिया और जिससे मोदी सरकार शायद आहत हुई, तो उसके बाद उनका भी ट्रांसफर होकर वो जम्मू कश्मीर भेज दी गई थी। ये अकेला मामला नहीं, जस्टिस ताहिल रमानी का मामला हमने हाल में ही देखा। ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जहां जहां न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी, जहां जहां न्यायपालिका सरकार पर अंकुश लगाएगी, जहां जहां न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, जहां जहां न्यायपालिका गलत फैसलों पर निर्णय देगी, तो न्यायपालिका के जजेस को भी अब मोदी सरकार बदले की भावना से या उनका तबादला करेगी या उनकी तरक्की और नियुक्तियों को रोक लेगी। दोस्तों, भाजपा सरकार एवं उसके नेता 2019 में अपनी चुनावी जीत के नशे में चूर हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश के नागरिकों ने उन्हें सेवा के लिए चुना है, शासन के लिए चुना है, ना कि जनता को डराने और धमकाने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत की न्यायपालिका केवल एक सिद्धांत का पालन करती है और वो सिद्धांत है सत्यमेव जयते, अंत में सदैव सत्य की विजय होती है। ये उन्हें जानना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले न्याय मंत्रालय और कानून मंत्रालय से हमारा वादा है कि आप कितनी भी झूठी खबरें फैलाएं, आप कितना भी जबरदस्ती करें, जोर डालें,
परंतु सत्य सामने आकर रहेगा। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि माननीय जज जो इस मामले की सुनवाई आज 2 बजे करेंगे, वो उसी साहस, उसी प्रतिबद्धता, वे उसी स्वतंत्रता के साथ न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे जिसके साथ जस्टिस मुरलीधर जी ने इस अहंकारी, प्रतिशोध पूर्ण व एकुशल सरकार के नेताओं को कटघरे में ला खड़ा किया था। भय और नफरत का माहौल पैदा करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हो। और जब सत्ताधारी दल इस प्रकार का कुत्सित कुकृत्य करता है तो उसकी पूरे देश की ओर से जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। उन परिवारों के लिए जो 27 परिवारों जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजन खोए हैं, हमारा दायित्व है, जिन्होंने आजीविका खोई है, जिनको चोटें लगी हैं, हमारा दायित्व है कि न्याय जीते, दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सरकार राजधर्म भूलकर राजनीतिक धर्म पर अगर चल रही है तो सरकार को राजनीतिक धर्म से बदलकर फिर राजधर्म पर लाना भी इस देशवासियों का और इस देश की न्यायपालिका का कर्तव्य है। इस देश की न्यायपालिका ये कर्तव्य निभाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है।